हेलो ग्रेड वन, वेलकम टू योर हिंदी सेशन। बच्चों, कल हमने हिंदी के चैप्टर 8 चूहों म्याऊं सो रही कविता से कठिन शब्द लिखने का अभ्यास किया था। आज हम इस चैप्टर से शब्द और उनके अर्थ लिखने का अभ्यास करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप अपनी हिंदी की नोटबुक पर आज की डेट मेंशन करेंगे। आज की डेट है 22/07/20। फिर आप क्लास वर्क लिखेंगे, चैप्टर 8 चूहों म्याऊं सो रही है। इसके बाद बच्चों, आप अपनी हिंदी की नोटबुक पर सबसे ऊपर हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग है निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। इसके बाद आप शब्द और डैश करके अर्थ लिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे शब्द और उनके सामने उनके अर्थ लिखे हैं। चलिए, अब हम इन्हें पढ़कर इनका अभ्यास करते हैं। सबसे पहला शब्द है पाँव। पाँव का हिंदी अर्थ होता है पैर, जिसे हम पाँव भी बोलते हैं। दूसरा शब्द है रसीला। बच्चों, रसीला का हिंदी अर्थ होता है रस से भरा, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो रस से भरी हो उसे हम रसीला बोलते हैं। तीसरा शब्द है मनचाही। मनचाही का हिंदी अर्थ होता है अपने पसंद का, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अपने पसंद की करते हैं उसे हम बोलते हैं मनचाही। चौथा शब्द है झटका। झटका का हिंदी अर्थ होता है हल्का धक्का। पाँचवा शब्द है पसारे। पसारे का हिंदी अर्थ होता है आराम से, यानी किसी भी चीज़ को आराम से करना उसे हम बोलते हैं पसारे। छठा शब्द है उल्टो। उल्टो का हिंदी अर्थ होता है खाली करना। बच्चों, जैसे आज हमने शब्द और उनके अर्थ लिखने का अभ्यास किया, ऐसे ही आपको अपनी हिंदी की नोटबुक पर साफ और सुंदर राइटिंग में शब्द लिखने हैं और उन शब्दों के आगे उनके अर्थ लिखने हैं। और बच्चों, आपको इन्हें याद भी करना है। ओके, थैंक यू।